देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। चमोली के कलाकारों ने पौड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए, साथ ही जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा उत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। जन्म दिवस 12 जनवरी, जीवन में संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प अगर लेकर कोई विकल्प न खड़ा करा और संकल्प पर अगर हम आगे बढ़ने चले गए तो संकल्प सिद्ध होगा, संकल्प पूरा होगा। और संकल्प में कहीं विकल्प आ गया तो ये तय मानिए कि संकल्प में जैसे ही विकल्प आ जाता है वैसे ही संकल्प टूट जाता है, रास्ते दूर हो जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, संकल्प में विकल्प न लाकर जो भी हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को साधने का काम हम स्वामी जी का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। तो आज के अवसर पर मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी के शुभ अवसर पर भारत सरकार की भांति राज्य एवं जनपद स्तर पर भी युवा दिवस मनाया जाएगा। धनराशि जो प्रतिवर्ष आएगी उसको ग्रहण किया जाएगा। इसके साथ साथ युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों को अभी तक जिला योजना के अंतर्गत अभी तक जो योजना है उसमें 400 रूपये की प्रोत्साहन सामग्री दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 4,000 की जगह 5,000 किया जाएगा।